तो सुपर फास्ट खबरों के बाद रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। गाजियाबाद से बड़ी खबर बता दें, शमशान घाट हादसे में अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे से गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया है। NH-58 पर लंबा जाम लगा है, मांगों को लेकर परिजन हंगामा कर रहे हैं। सरकारी नौकरी और उचित मुआवजे की मांग पर अड़े हैं मृतकों के परिजन और सड़क पर शवों को रखकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। शमशान घाट पर लेंटर गिरने से 25 लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं। कल इनकी संख्या 19 थी, जिसके बाद अस्पताल में घायलों को पहुंचाया गया था, जिसके बाद संख्या में इजाफा हुआ और 25 लोग अब तक इस पूरे हादसे में जान गंवा चुके हैं। 50 लाख रुपए का टेंडर दिया गया था एक छत डलवाने के लिए, और जितना बड़ा घोटाला इस टेंडर में हुआ उसका नमूना हम देख चुके हैं। 25 लोग इस घोटाले की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। जितने बड़े दावे सरकारों द्वारा किए जाते हैं भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के, उतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है और बलि चढ़ती है आम लोगों की। 25 लोगों की जान चली गई। कुल 24 लोगों की इस दुखद घटना में मृत्यु हुई थी और उसमें अधिकांश जगहों पर, विभिन्न जगहों पर ये डेड बॉडीज गई हैं और सब जगह अंतिम संस्कार हो रहा है। केवल यहाँ पर समस्या है और शुरुआत में ये लोग यहाँ से कुछ अंतिम संस्कार कुछ यहाँ हुआ भी है और कुछ लोग वापस आ गए हैं। उनकी कुछ मांग वो रख रहे हैं लेकिन मांग कोई सामूहिक रूप से नहीं आ पा रही, इसलिए कोई निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है। उनसे कहा गया है कि आप कोई जो भी आपकी मांग हो, जो भी विषय हो, आप लिख करके एक साथ दें ताकि उस पर विचार करके निर्णय लिया जा सके। जी नहीं, उन्होंने कोई, अभी हम लोग आए हैं हमारे हाथ में कोई ऐसा पत्रक उन्होंने नहीं सौंपा है। वही हम उनसे कह रहे हैं कि आप लोग एक आपस में बैठ के तय कर लीजिए, जो आपकी डिमांड है जिला प्रशासन से, प्रदेश सरकार से, आप दीजिए, जरूर उस पर विचार हो। दी गई, इनके द्वारा 4 लोगों को नामजद किया गया और उसके अलावा अज्ञात लोग जो उनके साथी, संबंधित अधिकारीगण और संबंधित अज्ञात साथी बताए गए थे। रात 9:30 बजे के लगभग ये तहरीर मिली थी, तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज किया गया अंतर्गत IPC 304, 337, 338, 400। इसमें रात से ही रात भर टीमें लगी रही, लगभग 6-7 टीमों ने ताबड़तोड़ इसमें दबिशें दी हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अभी तक और एक व्यक्ति जो इसमें ठेकेदार बताया गया है ये अभी फरार है। इसके लिए हम लोगों की 5 टीमें जो हैं ये जगह जगह दबिशें दे रही हैं। देखिए, जो इसमें जो विधिक है उसमें पूरा अब तक जो धाराएं हैं वो पूरा विधिपूर्ण तरीके से जो धाराएं हैं वो लगी हैं, तहरीर अनुसार लगी हैं। इसके लिए जो आगे भी जो भी विधिक सम्मत होगा वो उसमें किया जाएगा। संबंधित विभाग जो हैं वहाँ से भी अभिलेख मांगे गए हैं और इसके अलावा जो JD प्रोसिक्यूशन होते हैं उनसे भी विधिक राय लेकर के पूरा विधि सम्मत निशान किया जा रहा है। फिलहाल जो है शुरुआती 12 घंटे के अंदर 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी कर ली गई थी, बयान दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति को देख रहे हैं। जावेद चौधरी हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, जिस तरीके से बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, लेकिन सरकार के नाक के नीचे, सरकारी अधिकारियों के नाक के नीचे, उनकी मिलीभगत के साथ इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारों को अंजाम दिया जाता है, बलि इसकी कौन चढ़ता है? आम आदमी। 25 लोगों की जान जा चुकी है, क्या कहेंगे? आपको गाजियाबाद के जिस तरीके से मुरादनगर ये शमशान घाट वाला मामला हुआ है इसमें 25 लोगों की जान जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, ये जो शमशान घाट का जो गैलरी का जो टेंडर था उसका 53 लाख रुपए का ठेकेदार को दिया गया, यानी अजय त्यागी नामक फर्म को ये टेंडर दिया गया था। उस टेंडर की वजह से भ्रष्टाचार की बू साफ दिखाई दी और ये टेंडर जो लेंटर है ये भर भरा गिर गया और इसमें तकरीबन 40 से 50 लोग दब गए, जिसमें 25 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, वही 15 पूछ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी अभी जो अज्ञात लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। ठेकेदार अभी फरार बताया जा रहा है। तमाम तरह के जो ऐसे एंगल है जिनकी जांच पड़ताल की लगातार बात की जा रही है, इसी मामले को लेकर लोगों ने 3 शवों को सड़क पर
रखकर जाम लगा दिया और अपनी मांगों को अड़ गए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसमें 2 लाख रुपए आश्रित मुआवजे की मांग दिए जाने की बात कही गई है, मगर जो परिवार जो परिजन है उनका कहना है कि इनमें बाप बेटे सहित ऐसे कुछ परिवार है जिनका पूरा घर ही इस हादसे में मौत की आगोश में समा गया, क्योंकि उनके घर में अब कोई कमाने वाला नहीं रहा है और जिसके चलते 20 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की बात भी लगातार की जा रही है। बावजूद इसके कि लोगों ने पूरा नेशनल हाईवे टावर को जाम कर दिया और काफी तादाद में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के आदेश पर सुरेश खन्ना का भी पहुंचने का भी वहां बात की गई थी, पर अभी तक वो वहां नहीं पहुंचे। मगर मंडलायुक्त अनिता मेश्राम और आईजी मेरठ जोन प्रवीण कुमार वहां मौके पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने में जुटे हैं। किसी भी हालात से निपटने के तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं जिला प्रशासन भी कह रहा है कि सरकार की जो उनकी मांगे हैं उनको मानने के लिए हम शासन को इसमें लिखित देंगे। अभी तक लिखित में कोई ऐसा बात सामने नहीं आई है, मगर लगातार वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सबों को सड़क पर रखकर अपनी मांगों पर अड़े हैं। जी तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया जावेद आपका। तो वो 25 लोग जिनकी जान चली गई, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, उनके परिवार वालों ने जाम लगा रखा है और वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी समस्याओं को सुने और उन्हें न्याय दिलाए और जल्द से जल्द ठेकेदार की गिरफ्तारी भी हो। रुकेंगे यहां छोटे से ब्रेक के लिए। पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।